हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है जो लोग अभी भी एंड्रॉयड से आईफोन या फिर आईफोन से एंड्रॉयड में स्विच हो चुके हैं, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि व्हाट्सअप का जो डेटा है ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है एंड्रॉयड से आईफोन में या फिर आईफोन से एंड्रॉयड में। क्योंकि दोस्तों, एंड्रॉयड का जो डेटा है मतलब ये बैकअप है यहाँ पे गूगल ड्राइव में से होता है, एंड आईफोन का जो बैकअप है वो यहाँ पे आईक्लाउड में से होता है, एंड दूर दूर तक दोनों का कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। सो ऐसे में काफ़ी सारे लोग यार परेशान होते हैं कि कैसे हमारा जो व्हाट्सअप का डेटा है, चैट मैसेजेस कैसे आईफोन से एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड से आईफोन में शिफ्ट करे। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ विदाउट पीसी का। क्योंकि दोस्तों, आपको व्हाट्सअप का जो डेटा है, व्हाट्सअप का जो चैट मैसेज है ट्रांसफर करने के लिए किसी भी प्रकार से कंप्यूटर पीसी की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल से मोबाइल में आप अपने जो व्हाट्सएप पर डेटा है ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, लेटेस्ट न्यू प्रोसेस है एंड बहुत ही यूजफुल एंड 100% वर्किंग प्रोसेस है, जिसे यूज करके आप अपना व्हाट्सएप पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल टू मोबाइल विदाउट पीसी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने लेटेस्ट न्यू आईफोन लिया है या फिर एंड्रॉयड का फ़ोन लिया है, सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो व्हाट्सअप का डेटा है, चैट मैसेज, फोटोज़, वीडियोज़ और डेटा हम दूसरे फ़ोन में कैसा सेम टू सेम ट्रांसफ़र करें। सो विदाउट पीसी अगर आपको अपना व्हाट्सअप का डेटा ट्रांसफर करना है, तो आपको मोबाइल टू मोबाइल व्हाट्सअप का डेटा ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल ट्रांस के व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जैसे एक वंडर शेयर का प्रोडक्ट है, तो आप इस पर बेशक ट्रस्ट कर सकते हैं। सो जो भी मैंने लिंक दिया, उसको यहाँ पर डायरेक्टली मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। एंड मोबाइल में ओपन करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से ही गूगल प्ले स्टोर पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, एंड वहाँ से आपको व्हाट्सएप पर व्हाट्सअप डेटा ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद सारी परमिशंस आपको अलाउ करनी है। तो मैं जल्दी से इस एप्लीकेशन को सेटअप कर लेता हूं, एंड यहां पे देखेंगे एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है। एंड यहां पे देख सकते हैं आपको एनिवर्सरी सेल पर कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। सो एप्लीकेशन यहां पे स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सअप खोलना है। एंड व्हाट्सअप खोलने के बाद आपका जो व्हाट्सअप है उसका एक बार जरूर बैकअप कर लेना है। तो सेटिंग में जाने के बाद, चैट बैकअप में जाने के बाद, आपके व्हाट्सअप का जितना सारा बैकअप है आपको एक बार बैकअप कंप्लीट कर लेना है। एंड ये डिपेंड करेगा कि आपका बैकअप का डेटा कितना है, 1 GB, 2 GB या फिर 3 GB। जितना आपका ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बैकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ पे आते हैं व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन में। एंड दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप व्हाट्सअप का जो डेटा है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस का भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप का डेटा है एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आईफोन से एंड्रॉयड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप को बैकअप करके रखना है, सो बैकअप भी करके रख सकते हैं। एंड बाद में अगर आपको रिस्टोर करना है, सो बाद में उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड एंड्रॉयड टू आईफोन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंड्रॉयड 11 परमिशन गाइड यहाँ पे देखेंगे, आपको परमिशन अलॉक करना है अपने फाइल मैनेजर में। सो मैं क्या कर लेता हूँ, परमिशन को अलॉक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे, आपको जिस व्हाट्सएप को ट्रांसफर करना है तो उसी व्हाट्सएप का जो अकाउंट है उसको एंटर करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है। आफ्टर एंटरिंग अकाउंट एंड OTP, सेकेंड स्टेप देखेंगे, आपको पार्सिंग बैकअप का मिल जाएगा। सो बैकअप पार्स होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो भी मीडिया फाइल्स है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपको ऑल डेटा सिलेक्ट करना है तो ऑल डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट करना है, जैसे कि टेक्स्ट है, फोटोज है, ऑडियोज है, वीडियोज है, फाइल्स है, इमोजीज है, लोकेशन, GIF एंड इसके बाद वॉइस, अगर आपको ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल सिलेक्ट करना है तो ऑल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। एंड दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे फोन को कनेक्ट करना है। एंड दोस्तों, दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, विद पीसी एंड विदाउट पीसी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको विदाउट पीसी डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको आईफोन से एंड्रॉइड में कनेक्शन करना जरूरी है। सो आईफोन से एंड्रॉइड में कनेक्शन करने के लिए आपके पास जो आईफोन की डेटा केबल है उसे भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। एंड अगर ये केबल वर्क नहीं करती है तो आपको क्या करना है, OTG कनेक्टर, USB टाइप सी टू OTG। सो केबल एंड OTG कनेक्टर के जरिए आपको क्या करना है, एंड्रॉइड से आईफोन को कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट किया है। सो कनेक्ट करने के बाद आपको USB केबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब कि USB केबल को कनेक्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना है, ट्रस्ट ऑन दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ट्रस्ट ऑन दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद अपने आईफोन का जो भी पासवर्ड है तो पासवर्ड को एंटर करना है। एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर लॉगिन कर लेना है,
जो भी आपका मोबाइल नंबर है सेम मोबाइल नंबर के ऊपर लॉगिन कर लेना है। एंड आफ्टर लॉगिंग टू व्हाट्सएप यू नीड टू टर्न ऑफ फाइंड माई डिवाइस फ्रॉम आईफोन। सो आईफोन के सेटिंग में जाना है एंड आईफोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको फाइंड माई आईफोन को टर्न ऑफ कर लेना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, फाइंड माई आईफोन को टर्न ऑफ कर लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स आफ्टर ट्रांसफरिंग व्हाट्सएप सक्सेसफुल ऑन योर आईफोन आफ्टर ऑल यू कैन टर्न ऑन फाइंड माई आईफोन। आफ्टर ऑल योर व्हाट्सएप डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड टू आईफोन इज नाउ ट्रांसफरिंग। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफरिंग डेटा स्टार्ट हो चुका है। सो 100% होने तक आपको वेट करना है एंड जैसे 100% कंप्लीट हो जाएगा सो आपका जो आईफोन है एक बार रिबूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो रिबूट होने के बाद आपको जो व्हाट्सएप है एंड्रॉइड से आईफोन में शिफ्ट हो जाएगा। सो आईफोन में रिस्टोर प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको ट्रांसफर सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा, मतलब कि आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है एंड्रॉइड से आईफोन में सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। एंड आईफोन भी देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रिबूट हो चुका है, मतलब कि आपका जो भी व्हाट्सएप का डेटा है एंड्रॉइड से आईफोन में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो इस मेथड से आप बड़े ही आराम से एंड्रॉइड टू आईफोन या फिर आईफोन टू एंड्रॉइड अपना जो व्हाट्सएप का डेटा है क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पीसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं जस्ट एक केबल कनेक्ट करने के बाद। एंड दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो मैंने इसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर विजिट कीजिए। सो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।